चैनल हिमाचली यूट्यूबर मीना बुशहरी में। तो आज आई हूँ मैं घूमने छितकुल वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। वैसे तो मैं घूमती रहती हूँ बट मैं यहाँ कभी भी नहीं आई थी लाइफ में, आज अपनी लाइफ में पूरी लाइफ में आज आई हूँ। तो जो मेरे दी है ये तो आए, पापा के साथ मम्मा भी आए और भाई भी आए, मेरी बहन और मैं ही रह गए थे। तो हम दोनों ने बोला कि हम दोनों को भी घुमा दिया, तो इसीलिए हम आएंगे घूमने। तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है यहाँ का। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को मेरे बैक साइड में, और मैं देखिए यहाँ का कैमरा घुमा के। तो यहाँ देखिए हम बिल्कुल सीधे प्लेस में आ गए हैं, और यहाँ पे एक नदी है और साथ में चोटियाँ हैं और चोटियों में बर्फ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ठंड भी बहुत है, स्वेटर गाड़ी में रखी है। तो आज हम फाइनली आ ही गए हैं। वैसे तो हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर आते रहते हैं बट यहाँ पे कभी नहीं आए थे क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे जॉब करते हैं। और ये देखते थे फूल, ये वो फूल वो जो हम चढ़ाते हैं वो ये नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो सुबह हम चले थे 8:30-9 बजे के करीब, और यहाँ पहुँच गए हैं हम 12:30 बजे। तो यहाँ पे अभी बर्फ हो रही है थोड़ी थोड़ी क्योंकि हम बिल्कुल हाइक में आए हैं, और हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा लिखा है तो हिंदुस्तान की आखिरी बाउंड्री में आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ रहे पीछे मेरी बहन और है दीदी। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैंने आपसे भी से शेयर करके आते बार मैंने कैप्चर की है। तो बहुत ही प्यारी है बट बहुत ही डेंजरस रोड है, रियली बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था आते आते। और बहुत ही सामने पहाड़, ऊपर पहाड़, चारों तरफ मतलब पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे थे, और सीधा ही नीचे ढांक, और बीच बीच में तो ऐसे ऐसे प्लेस थे जैसे सांगला है, बहुत सुंदर है वो सीधा है। और यहाँ पे अभी टॉप में फ्लावरिंग हो ही रही है, हमारे तो फ्लावरिंग हो गई, पत्ते आ गए हैं एप्पल में, तो यहाँ पे अभी फिलहाल फ्लावरिंग हो ही रही है। तो चलिए अब घूम लेते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ का मज़ा ले लेते हैं, जो मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकता वो हम आपसे उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने के लिए, उतना मतलब कैमरे में नहीं आ रहा होगा जितना ये मतलब सामने देखने के लिए। तो मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर बाद। देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं त्रांडा मंदिर। तो जितने भी यहाँ से यात्री जाते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ माता का आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद अपना सारा सफ़र तय करते हैं। तो चलिए हम भी माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर बाद। तो हमने यहाँ पे माथा टेक लिया है, तो देखिए आगे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए जो ये रोड है ये पहाड़ियों को चीरते चीरते बनाया है, और बहुत ही आकर्षित व्यू है यहाँ से देखने में।
फोटोज क्लिक कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं हम बटसेरी, जो यहाँ सामने लगा है गेट। यहाँ से नीचे को रोड है जो कि गांव की तरफ जाता है, और बहुत बड़ा प्यारा गांव है बटसेरी। तो यहाँ पीछे भी एक बार हादसा हो चुका है इस जगह में। तो बटसेरी से आगे आ गए हैं हम। तो जो यहाँ से आगे को गांव पड़ेगा वो पड़ेगा रक्षम वैली, और उसके बाद जो लास्ट गांव पड़ेगा वो पड़ेगा छितकुल वैली। और वहाँ से आगे कोई भी गांव नहीं है, और हमारे हिंदुस्तान का आखिरी गांव है छितकुल वैली, जितना मेरे को पता है। ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता है। तो चलिए आप भी सफ़र का इंजॉय लीजिए। तो कहते हैं ना, सफ़र सफ़र बहुत ही प्यारा, दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है चारों तरफ। पहुंच गए हैं।
पूछते होते हैं ना टप टप वाले। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। डॉक्टर हाथी के जैसे डॉक्टर हाथी है, डॉक्टर हाथी बाइक भी दो ये देखो पर से हर पहुंचाई ये पूरी छितकुल तक आती है। चली है और क्योंकि ये यहाँ देखिए नदी के किनारे हैं इसीलिए पानी का शोर भी बहुत तेज़ आ रहा है। तो अब चलते हैं थोड़ा पानी के पास। तो फ़ोटो वगैरह तो हमने क्लिक कर दी है तो ये लोग और भी क्लिक कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं अभी वीडियो शूट कर देती हूँ। और यहाँ पे हवा बहुत लगी है क्योंकि नदी के साथ है। देखिए जैसे पीछे नदी की आवाज़ बहुत आ रही है और हवा भी बहुत लगी है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ थोड़ा आ नहीं रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कर लेना आप लोग एडजस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ और ये टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत सारे टूरिस्ट है दूर दूर तक है। ये मेरे वहाँ देखिए पीछे भी लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, बहुत लोग आए हैं दूर दूर से और भी गाड़ियाँ आ रही है। और ये देखिए पीछे जो पीछे ऊपर दिख रहा है ये छितकुल गांव है। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है पर मेरे को नहीं पता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने फ़र्स्ट बार विज़िट किया है यहाँ पे तो नहीं पता है। तो और जो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है जो रेड जिसमें रेड वो लगे हैं तंबू टाइप के टेंट टाइप के तो इसमें है रहने आप लोग यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। हमने पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये मतलब रूम है अवेलेबल है यहाँ पे रूम। तो अभी तो उतनी मतलब गर्मी नहीं हुई है, आई थिंक जून
जून में मतलब गर्मी बहुत अच्छी होगी और यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा मौसम होगा तब, क्योंकि तब हमारी बहुत गर्मी होती है, बट हमारे स्थान में भी नहीं होती है उतनी गर्मी जितना मतलब लो हाइट में होती है। तो बहुत ही प्यारा है यहाँ हर चीज़ का वो है, बट ऐसा है यहाँ देखिए चारों तरफ से सूखा ही सूखा है, जैसे ऐसा लगता है कि हम तो ये लद्दाख पहुँच गए हैं यहाँ से। तो और हवा लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से थोड़ी देर बाद, देखते हैं अब क्या करेंगे इसके बाद, फिर उसके बाद वापस ले जाएंगे घर में। वापिस तो जो हमने अपने साथ लाया था वो हमने खा खू लिया है, कुरकुरे चिप्स वगैरह रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आप सभी को, क्या पता हाँ घर में मिलूँ, क्या पता आधे घंटे बाद मिलूँ, इसका पता नहीं है। ओके बाय।